जयराम महतो ये आजसू का एजेंट है, ठीक है। खतियान के हितैषी हम लोग नहीं हैं क्या? कितना बड़ा हितैषी हो गए जी आप। हम चाहते हैं कि हम यहाँ लोकल हैं, हमारे बच्चों को प्राथमिकता मिले। हम लोग जो वादा किए हैं, हमारी सरकार जो वादा किया वो पूरा होगा। थोड़ा समय दीजिए, अब कितना बड़ा कौन है नहीं है जोस्ती का। यहाँ आदिवासी का आपको देखना होगा साथ किसका मिल रहा है, अल्पसंख्यक युवाओं का साथ देखना हो किसको मिल रहा है, दलित युवाओं का साथ देखना हो किसको मिल रहा है। केवल आप महतो का कुछ लड़का लोग आगे करके सोचते हैं कि हम आदमी को पूरा कर लेंगे, ऐसा होता है कहीं क्या? लेकिन 100 लोगों का जो एक ये कर दिया है कि 100 लोगों से ज़्यादा बैठ जमा नहीं हो सकती, तो 100 लोग त्यौहार मनाने से मतलब है ना, जरूरी थोड़े कि हम हजारों लोगों के बीच त्यौहार मनाएं। अब बताइए, कोविड काल में भी हम लोगों ने देखा है कहाँ कोई निकलते थे त्यौहार में, सब कुछ छूट था। देखिए त्यौहार खुशियों का त्यौहार होता है, और इरफान अंसारी की बहुत बड़ी भूमिका है। हम लोगों ने हमारे जो डायनेमिक सीएम साहब को हम लोगों ने कन्विंस किया कि भाजपा जानबूझकर तूल दे रहा है, हर मुद्दा को राजनीतिक मुद्दा बनाकर भेदभाव सरकार के प्रति कराकर अपनी रोटी सेक रहा है। तो इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। सरकार ने बात मानी और हम फिर से आग्रह करेंगे, रामनवमी सबका है, अच्छी तरह से मनाइए, भाजपा के झांसे में मत आइए, बजरंग दल के झांसे में मत आइए, शांति से बनाइए। आप लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, कानून हाथ में मत लीजिए, आपस में मत लड़ाइए लोगों को, ये मेरा संदेश होगा। मिलजुल कर बनाइए, और मैं भी जाऊँगा हजारीबाग मुहर्रम में, वहाँ के नेता हमारे घर आए, ये मैं चाहता हूँ। आपस में लड़ाई नहीं चाहता हूँ, ताकि हमारा झारखंड बहुत झेला है लड़ाई, अब लड़ाई नहीं चाहता हूँ, अब चाहता हूँ विकास। हर मुद्दे पर देखिए डिबेट करके बर्बाद करके दिया है भाजपा के लोगों ने, कहीं चैन से नहीं है। मुद्दा यहाँ विकास का होना चाहिए, मुद्दा यहाँ रोजगार का होना चाहिए, मुद्दा यहाँ झारखंड को कैसे हम लोग अपने झारखंड के पैर में खड़ा करें, खुशहाल झारखंड, हमार झारखंड, ये मुद्दा होना चाहिए। लेकिन 100 लोगों का जो एक ये कर दिया है कि 100 लोगों से ज़्यादा बैठ जमा नहीं हो सकती, तो 100 लोग त्यौहार मनाने से मतलब है ना, जरूरी थोड़े कि हम हजारों लोगों के बीच त्यौहार मनाएं। अब बताइए, कोविड काल में भी हम लोग ने देखा है कहाँ कोई निकलता था त्यौहार में, सब कुछ छूट था, निकले वहाँ जान बचाना प्राथमिकता था, लोग स्वेच्छा से इसको पालन कर रहे थे। अब खुला है तो सरकार का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कीजिए, और हम चाहेंगे कि रामनवमी राम भक्त हनुमान जी का त्यौहार है, राम भक्त इरफान अंसारी भी है, इसलिए सबको शुभकामनाएं, गिले शिकवे भुलाइए, एकदम शक्ति का त्यौहार जो रामनवमी है उसको मनाइए। आज जय राम रमेश राम जय राम मनमात सर, उन्होंने मुलाकात किया राज्यपाल से और आपकी सरकार की शिकायत की। कौन है ये जयराम महतो को आप नहीं जानते? जयराम महतो जो आंदोलन कर रहे हैं खतियान अध, हमको लगा रामेश्वर उराव बोल रहे हैं भाई महाराज, हमको ऐसा बात बोल रहे हैं। देखिए जयराम महतो ये आजसू का एजेंट है, ठीक है। खतियान के हितैषी हम लोग नहीं हैं क्या? कितना बड़ा हितैषी हो गए जी आप। झारखंड हमारा है, हम लोग लिए हैं लड़के झारखंड, सरकार कटिबद्ध है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी ने सरकार बनाया है, भाजपा ने तो बर्बाद कर दिया। 85 का विरोध क्यों नहीं कर रहे थे ये लोग, जब उन्हें रघुवर दास जब 85 लाए थे, खतियान क्या नाम है 2085 क्या, वो जब लाए थे तो ये आंसू विरोध नहीं कर रहा था उस समय, ये भाजपा के लोग विरोध नहीं कर रहे थे, हम लोगों ने विरोध किया। हम चाहते हैं कि हम यहाँ लोकल हैं, हमारे बच्चों को प्राथमिकता मिले। हम लोग जो वादा किए हैं, हमारी सरकार जो वादा किया वो पूरा होगा। थोड़ा समय दीजिए, अब कितना बड़ा कौन है नहीं है जोस्ती का। यहाँ आदिवासी का आपको देखना होगा साथ किसका मिल रहा है, अल्पसंख्यक युवाओं का साथ देखना हो किसको मिल रहा है, दलित युवाओं का साथ देखना हो किसको मिल रहा है। केवल आप महतो का कुछ लड़का लोग आगे करके सोचते हैं कि हम आदमी को पूरा कर लेंगे, ऐसा होता है कहीं क्या?
खतियान लागू होगा, इरफान अंसारी बोल रहा है आपको, और जनता के हित में जो होगा वो लागू होगा। 35 वाला होगा बिल्कुल, फिर अब वही वाला बात हम लोग, मैंने कह दिया ना कि जो जो ये लोग जो दिखा रहे हैं, सरकार जिसने बनाया है उसको चिंता नहीं है क्या? सरकार में जो बैठे हैं उसको चिंता नहीं है क्या? नहीं, वो तो कह रहे फर्जी 40 लाख वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है झारखंड में, जो बाहरी लोग हैं जो यहाँ आके बस गए हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग कांग्रेस पार्टी से, हमारा मैनिफेस्टो जो अलग है, हम खतियान के भी पक्ष में हैं, 1932 जो है उसके पक्ष में भी हैं, और सबको लेकर चलने के भी पक्ष में हम लोग हैं। किसी जो झारखंड में आया है, जो झारखंडी है, अब जो आ गया उसको हम थोड़े भगा देंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जिस तरह से झारखंड बना उसके बाद हमारे बच्चे, झारखंड के बच्चे को कम से कम ग्रुप डी और ग्रुप सी का अधिकार तो मिलना चाहिए ना। अब वहाँ भी चले जाइएगा, बाहरी लोग आके बैठे हुए हैं, अगर चपरासी पीन भी जाइएगा ना, अरबपति बना है, कहाँ का है भाई? तो छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। तो ये हक मेरा मत छीनिए, हम सरकार से मांग करेंगे कम से कम। ये तो जयराम महतो मांग कर रहे हैं, सरकार वो कौन होता है? करना है उसको। जयराम महतो कौन सा मांग करने वाला बताइए, हुई सी? अरे वो छात्र नेता है, अभी लाखों की भीड़ हो रही है उसकी सभाओं में। अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है। तो आपने बाबा रामदेव के भीड़ कार्यक्रम में बहुत भीड़ होता है, मतलब क्या? मैं वो नहीं कहना चाहता हूँ, युवा नेता हैं आप, आइए आप इरफान अंसारी से वार्ता कीजिए, आपका जो बात है। वो मुख्यमंत्री से वार्ता करना चाहते हैं, इरफान अंसारी क्या करेंगे? ना कैबिनेट मंत्री हैं आप, ना मुख्यमंत्री हैं। नहीं, देखिए हम लोग देखिए, हम लोग झारखंड हमारा झारखंड है, ठीक है, और झारखंड कैसे अच्छा हो इस दिशा में इरफान अंसारी काम करता है। आप महतो जी, जयराम महतो की बात कर रहे हैं, तो आप लोग उसको हाईलाइट कर रहे हैं, उसको यदि अगर कोई बात है तो आज उचित मंच है, आप आइए, आप इरफान अंसारी के पास आइए, हम सीएम के पास ले जाएंगे। अगर आप झारखंड के 32 के हितैषी हैं, तो अगर आप आसू के हितैषी हैं, अगर आप बीजेपी के हितैषी हैं, तो आप हमारे पास नहीं आएगा। आप गवर्नर के पास क्यों जा रहे हैं भाई? क्या मनसा है आपकी? शिकायत करने? क्या शिकायत करने? आपकी क्या हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री क्या आपको पसंद नहीं है क्या? हमारे मुख्यमंत्री है तो क्या पसंद नहीं है आपको क्या? ये झारखंड का माटी का लाल है, आपको क्या लगता है कि झारखंड के हमारे जो सीएम है वो हमारे प्रति नहीं सोच रहे हैं क्या? कर नहीं रहे हैं, वो बोल रहे हैं। नहीं, गलत बात है ये सब, आप नेतागिरी यहाँ मत कीजिए। आप आसू, और आसू कौन होंगे? आसू बीजेपी का ये लोग एजेंट है, ये सब आप आसू की बात कर रहे हैं। तमाम आदिवासी हेमंत जी के साथ है, तमाम झारखंडी हेमंत जी के साथ है, मैं कहना चाहता हूँ, और हेमंत जी को झारखंड के तमाम लोगों की चिंता है। तो वो तो कह रहे हैं कि अब 85 जिसने लाया उसको हम लोग सत्ता से बेदखल करने का काम किए, तब आप उनको हितैषी क्यों नहीं मान रहे? फिर आसू में आसू को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं आप? कहाँ वो आसू? मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए, अगर चुनाव अगर होगा, आसू पार्टी में नहीं, सुने ना, अगर चुनाव होगा, अभी मान लीजिए 2024 में चुनाव होगा, आसू की अलग लड़ेगी चुनाव क्या? आसू की अलग लड़ेगी? सुनिए, मैं आसू पार्टी क्या 2024 में अकेले लड़के दिखाए हिम्मत? तो नहीं, जयराम क्या कनेक्शन है? आप जोड़ रहे हैं जबरदस्ती, वो बोलते हैं हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की बात। जयराम रमेश महतो, इसका पूरा खाका देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए, ये आसू से जुड़ा हुआ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं इतिहास निकाल दूंगा उसका, ये बात नहीं होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, तमाम युवाओं से कहना चाहता हूँ, खतियान 1932 सरकार जो है लागू करेगी, समय आने दीजिए, वेट कीजिए, हम लोग हैं जवाबदेही, हम लोग हैं, आप लोगों ने विधायक हम लोगों को बनाया है, जनता हमसे पूछती है ना। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, हम लोग अभी विकास करने दीजिए, जो सरकार ने जो कमिटमेंट किया है वो पूरा होगा, हर हाल में पूरा होगा, और बेवजह अब बहुत हो गया है सब, 18 साल झारखंड को लूटा भाजपा ने, लड़ा दिया युवाओं को, आज राज मिला, हमारा राज हमें मिला है, तो इसको कैसे खूबसूरत करें? जो पहले झारखंड के मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, उन्होंने जो लागू किया था उसी की मांग फिर से हो रही, सिंपल इस बात को समझिए। क्या इरफान अंसारी दिला पाने में सक्षम है या नहीं है, ये बताइए। देखिए, झारखंड के हित में जो कुछ होगा, मैं कहना चाहता हूँ, हम झारखंडी हैं, कोई हम बाहरी नहीं है, ठीक है, और जो यहाँ के
युवाओं के हित में होगा, यहाँ के लोगों के हित में होगा, वो सरकार को करने पर हम लोग बाध्य कर देंगे। ये भानु प्रताप शाही बोल रहे हैं कि खतियान की बात तो कर रहे हैं जेएमएम कांग्रेस के लोग, लेकिन CAA का बात नहीं कर रहे, NRC की बात नहीं कर रहे, वो भी झारखंड में लागू होना चाहिए। बाहरी देश को डिफेंड मांग कर रहे हैं और 63 को डिफेंड कैसे कर सकते। देखिए, राज्य का दुर्भाग्य इस बात का है, कभी कभी बहुत अफसोस होता है। हमें तमाम युवाओं से मैं पूछना, तमाम झारखंडी, देखिए आज CBI कोर्ट का जो फैसला आया, देखिए आप भानु जी की बात कर रहे हैं, कोर्ट का मैं सम्मान करता हूँ, नंबर वन, कोर्ट से हमारा, मैं कोर्ट से बाहर नहीं हूँ, जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ बंधु तिर्की पर जो आरोप था 6 लाख रुपया, आप बिल दे देते हैं एक तरफ और 6 लाख पर आप 3 साल की सजा बर्खास्त कर देते हैं, इसलिए बर्खास्त करते हैं क्योंकि बंधु जी काला है, आदिवासी है बेचारा हमारा, कीजिए गोरा आदमी को बगल में, आप बता रहे किनका नाम ले रहे थे, आप अभी किनका नाम ले रहे थे, क्या उसने नहीं लूटा झारखंड को, क्या आदिवासी का पैसा नहीं लूटा उसने, मूलवासी का पैसा नहीं लूटा उसने, आदिवासी युवाओं को रोजगार का पैसा नहीं लूटा, दवाई का पैसा नहीं लूटा, किडनी का पैसा नहीं लूटा, हार्ट का पैसा नहीं लूटा, कैंसर का पैसा नहीं खाया व्यक्ति, उसके बाद भी दाग विदाग हो गया भाजपा में गए तो क्या बात करते हैं आप। लड़ाई मत भानु जी, आप सेकुलर आदमी हैं, भाजपा में जाके लोगों को गुमराह करके लड़ा के आप सोचते हैं कि नहीं आपको क्लीन चिट मिल जाएगा, ये नहीं होगा। CBI कोर्ट अगर एक तरफ आप बंधुदा को आप सजा खड़ा कर देते हैं और दूसरी ओर ये थोड़ा देखना होगा, चिंता का विषय है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.